26/11 की 14वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा मुंबई सहित अन्य कई स्थानों पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं बीते शुक्रवार को राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 26/11 का आतंकवादी हमला हमारे अंतर मन में एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा और अब उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रहेगी कि ऐसी घटना फिर कभी दोबारा ना हो। 26 नवंबर 2008 को 10 हथियारबंद आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में धावा बोल दिया था। तब इन आतंकवादियों ने प्रसिद्ध ताज होटल सहित कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 166 लोग मारे गए जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। कई अन्य लोग घायल हुए थे। वहीं इन हमलों में जिंदा पकड़ा गया एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को बीते 12 मार्च 2018 को पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार में फांसी पर लटकाया गया था। इन हमलों के चलते तब राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख और गृह मंत्री आर पाटिल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।